गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर टू का रोमन न्यूमरल का आगे का एक्सरसाइज करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फाइव तक किए थे, मैंने सभी आप लोगों से कहा था कि सभी बच्चे रोमन नंबर जो है वन से लेके कितने तक 15 तक क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। आई होप कि सभी लोगों ने याद कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे अपना एक्सरसाइज नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक नोटेशन एंड देन एड देम, राइट द आंसर इन रोमन नंबर। कह रहा है कि जो क्वेश्चन रोमन नंबर में लिखा है, रोमन न्यूमरल में, उसको सबसे पहले हमको क्या करना है हिंदू अरेबिक नोटेशन में, मतलब उसको ऐसे डिजिट में लिखना है। फिर हिंदू अरेबिक नोटेशन में लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको हम किस में लिख देंगे, रोमन नंबर में क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स और आई, पहले भी मैंने बताया था एक्स और आई को हिंदू अरबिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, 11 प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए बोला तो ऐड का साइन लगा देंगे, और ट्रिपल एक्स और वी आई, तो ट्रिपल एक्स का मतलब 30 और वी आई का मतलब 6, 36। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐसे सामने सामने लिख लेंगे कहीं रफ में, 36 और नीचे 11 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 47, तो यहाँ 47। अब कह रहा है कि जो आंसर आ रहा है हिंदू अरेबिक नोटेशन का उसको हमको लिखना है किसमें, रोमन नंबर में। तो हम लिखेंगे सो द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 47। 47 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, तो देखिए पहले भी आपने बताया था एक्स और एल का मतलब होता है 40 और वी और आई का मतलब 7, क्या हो जाएगा 47। तो यही इसका रोमन न्यूमरल नंबर हो जाएगा, तो ऐसे ही राइट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। पहले सबसे पहले वही कह रहा है कि न्यूमरल नंबर को पहले हिंदू अरेबिक नोटेशन में लिखना है, तो एक्स एल वी ट्रिपल आई, इसका मतलब एक्स एल का मतलब 40 और वी ट्रिपल का मतलब 8, तो 48 ऐड करने का है तो ऐड का साइन लगाएंगे, और आई डबल आई का मतलब क्या होता है 2, तो 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, और इसको रोमन नंबर में लिखेंगे तो क्या होगा, सो द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 50 इक्वल टू क्या, रोमन 50 का क्या होता है एल, तो एल ऐसे कर लेंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। अब कह रहा है कि इसका जो भी आंसर है उसको हम किस में लिखना है, जो भी आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। अब यहाँ देखिए ये सारे रोमन नंबर में लिखा है, लेकिन रोमन नंबर हम माइनस कर पाएंगे नहीं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रोमन नंबर में जो लिखे हैं उनको हम क्या लिखेंगे, पहले डिजिट में लिख देंगे, हिंदू अरेबिक नोटेशन लिख देंगे। तो ट्रिपल एक्स का मतलब 30, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और डबल एक्स आई वी का मतलब क्या होता है 24, क्योंकि डबल एक्स का मतलब 20 और आई वी का मतलब 24, तो 30 में से 24 इसलिए सामने सामने लिख लेंगे, माइनस करेंगे जिसको तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो इससे हम कैरी लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 2 में से 2 गया 0, हमारा कितना आया आंसर 6। अब ये 6 है इसको हिंदू अरबिक में हमको रोमन नंबर लिखना है, तो हम लिखेंगे सो द रोमन न्यूमरल इक्वल टू 6 का रोमन क्या होता है तो बी और आई। फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसमें ऐड करने के लिए भी दे देगा, माइनस करने के लिए भी दे देगा, और डिवाइड। अब देखिए उसी का डिवाइड है, तो डिवाइड तो ऐसे हम रोमन नंबर में तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिजिट में हम लिखेंगे, तो देखेंगे एक्स एल आई वी का डिजिट क्या होता है, इसका मतलब होता है 44, डिवाइड कैसा है तो डिवाइड। फिर एक्स और आई का कितना होता है, सभी ने याद किया होगा, जिसने याद किया होगा रोमन नंबर सबको पता होगा कि किसका कितना, उसको डिजिट में लिखते हैं। तो अब 44 डिवाइडेड 11, 11 से 44 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 4। अब इसको हम किस में लिख देंगे, क्योंकि आंसर हमको लिखना है रोमन न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल में क्या लिखना है, इसका आंसर हमको लिखना है, तो सो द रोमन न्यूमरल 4 का क्या होता है रोमन नंबर सबको पता होगा आई और बी। वैसे और भी क्वेश्चन जो होंगे वो क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वन करेक्ट रोमन न्यूमरल्स इज गिवेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। कह रहा है कि जो ये पेयर्स दिए ना, दो रोमन न्यूमरल्स थे, दो पेयर दिए, इसमें से एक जो है वो क्या है, सही है रोमन न्यूमरल, और एक गलत है, सही वाले को हमको पहचानना है और उसी को लिखना है।
तो ये बताइए यहाँ पे कितना लिखा है, एक्स 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 एक्स, 4x होता है रोमन नंबर में? कभी भी 4x नहीं होता है, क्योंकि 4x का मतलब कभी भी रोमन नंबर में 4x नहीं होता है। और x और l होता है ना, तो xl का मतलब आपको बताया था कितना, 40। तो ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि रोमन नंबर में कभी भी 4x नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x, क्योंकि यही एग्जैक्ट ये सही है 40। ये 40 क्या हो जाएगा, पहले भी हम लोग आप लोगों को जब उसके पहले पढ़ाया था तो ये बताया था ये रॉन्ग होता है, 40 का राइट क्या होता है, एक्स और एल होता है। अब आते हैं एक और, ये देखिए ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स का मतलब हम जानते हैं 30। एक्स एक्स एल, कभी भी एल के पहले कभी भी डबल एक्स कभी नहीं आएगा, ट्रिपल एक्स कभी हमेशा आएगा तो वन ही एक्स आएगा, तो इसका कोई मीन्स ही नहीं होता है। तो ये क्या है, गलत है। तो सही वाला हमारा क्या है, ट्रिपल एक्स। तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रोमन का हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे कि रोमन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग रोमन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम लोग डिजिट का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स जान लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। जब हम किसी डिजिट को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर मतलब है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे छोटे से बड़े क्रम में, जब छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर उसको कहते हैं जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कुछ डिजिट के रूप में लिखते हैं, जैसे ये 3, 4, 9, 8 और 10, इसको कहे कि हमको किस कहा जाए कि अरेंज कीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, तो अभी बताया ना, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा क्या है हमारा 3, उसके बाद बड़ा कौन है 4, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि हम पहले छोटे से, देखिए सारे छोटे से बड़े क्रम में हम क्या करें, इसको अरेंज किए हैं। अब इसी को हमको लिखना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जस्ट इसका उल्टा लिख दें, अपोजिट, मतलब ग्रेटेस्ट टू सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है 10, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 4, और फिर लास्ट में हमारा क्या बचता है 3। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर एक बार बोल देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, जब हम नंबर को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब हम नंबर को बड़े से छोटे के क्रम में, मतलब बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब उसी तरह अब रोमन नंबर में हमको अब क्या किया है, कह रहा है कि रोमन नंबर दिख गया और इसको अरेंज करने की कह दिया कि अब इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे ईजी तरीका देखिए अरेंज कैसे करेंगे, पहले जितने रोमन नंबर्स दिए हैं आपके, पहले उसको हम डिजिट में लिख लेंगे कि कितना होते हैं, उस तरह लिखना आप लोगों को इजी हो जाएगा। अब जैसे एक्स एक्स आई का मतलब क्या होता है 21 होता है, एल का मतलब क्या होता है 50, पहले उसको नीचे राइट कर लेंगे, ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 31, एक्स एल आई का मतलब होता है 41, और फिर एक्स एल आई एक्स एल वी, एक्स एल का मतलब 40, अभी का मतलब 45। अरेंज करिए, देखिए अब सब हमको अच्छे से दिख रहा है, तो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब ये देखिए सबसे छोटा नंबर हमारा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 21, तो सबसे पहले ये इसका लिख देंगे, फिर उसके बाद देखिए उससे बड़ा 21 से, तो 21 से बड़ा क्या दिख रहा है 31, अब इसको लिख देंगे, 31 के बाद 41, यहाँ 41 को राइट कर देंगे, फिर 45 राइट कर देंगे, लास्ट में और क्या सबसे बड़ा क्या है 50। देखिए क्या करेंगे, इस ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे, इस तरह आपको अरेंज करना क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। उसी तरह देख आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब रोमन नंबर में दिया है उसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको भी पहले डिजिट में लिख देंगे। तो देखिए हमने डिजिट में पहले लिख दिया, हिंदू अरबिक नोटेशन में लिख दिया है, तो 23 इसको बोलते हैं 48, ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई का मतलब 33, इसका मतलब 44 और इसका मतलब 40, अब इसको 47, इसको अरेंज करना इजी हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ा हमको देखिए मिल गया, ये है 48, तो पहले इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद 47 इसको राइट कर देंगे, फिर उसके बाद
देखिए, हाँ वेरी गुड, 44। इसको हम अब इससे देखिए छोटा 44, अब हमारा ये वेरी गुड 33, इसको राइट कर देंगे। सबसे छोटा हमारा क्या है देखिए 23, इसको राइट कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके जो और रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं वो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी करेंगे और उसको भी होमवर्क में आप लोग करेंगे। सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जिनको अगर रोमन नंबर नहीं याद होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उनका पहला सबसे काम होगा कि वो 1 से लेके 50 तक अच्छे से रोमन नंबर याद कर लें। जिनको रोमन नंबर याद होगा उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, और जो बच्चे रोमन नंबर नहीं याद करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा कि कैसे सॉल्व। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे रोमन नंबर अच्छे से 1 से लेके 50 तक याद कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अभी हम आप लोगों की बुक का एक्सरसाइज दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। हाँ देखिए, जो अभी ब्लैक बोर्ड पे मैंने बताया है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरबिक नोटेशन एंड एड देम राइट द आंसर इन रोमन नंबर। तो क्या करेंगे, पहले इसको हिंदू अरबिक नोटेशन मतलब इसको डिजिट में पहले लिख देंगे, फिर प्लस कर लेंगे, और फिर लास्ट में जो प्लस करने पे आंसर आएगा उसको किस में लिख देंगे, रोमन न्यूमरल में हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो ये कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द आंसर इन रोमन नंबर, अब इसको पहले हिंदू अरबिक नोटेशन में लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे है 30 और कितना है 24, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और इसका जो आंसर ये आएगा रोमन नंबर लिखेंगे तो 6 को रोमन नंबर में हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो इसको कर लेंगे। इसमें आपको बताया ही थे कि क्या करना है, 1 करेक्ट रोमन न्यूमरल्स इज गिवन इन ईच ऑफ द स्पेयर में एक जो है सही रोमन नंबर लिखा है और एक गलत लिखा है, तो आपको पहचाना है कौन सा सही है और फिर आप लोगों को उसको आंसर में लिख देना है। तो मान लीजिए ये पहला, तो आप लोग आंसर लिख के ये 4x तो होता नहीं है, तो ये क्या है रॉन्ग है ना, तो इसका आंसर क्या, तो आप लोग आंसर डाल के ऐसे लिख लेंगे और इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर इसको अभी बताया ना, रोमन अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबको इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से, और अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को टाइम के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, इस वर्क को फेयर कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रोमन नंबर दिए थे उसको हमको क्या करना था, पहले तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा था। फिर रोमन नंबर का हमने एडिशन पढ़ा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा। तो सभी लोग अच्छे से क्या करेंगे, वर्क को कंप्लीट करके क्या करेंगे, ग्रुप में शेयर। ओके, हैव अ नाइस डे।